अब हम बात करेंगे हम लोग ने क्या किया अपने प्रोजेक्ट में। तो ये कई सारे आप सैंपल देख रहे होंगे जो कि एक ग्रुप को बता रहा है, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, और ये जनरल पेज को था उसका बता रहा है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल पेज का, जब हम यूज करते हैं किसी हॉल के अंदर या सिंपल या ग्रीन को लिखना है, तो वो क्या होता है, एक बार लगाया फिर दोबारा लगाना पड़ता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया, अगर एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, तो अगर हम किसी वॉल पे पेंट लगाते हैं वो 2-5 साल तक रहता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, उसमें 3-4 बार रिपीट करना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो हाईली पॉल्यूटेड जोन है या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल जोन है, तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वो टाइम के साथ बहुत जल्दी कलर उड़ जाता है। लेकिन जब अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम क्या किए, 100 ml पेंट डाले हैं, उसके साथ 25 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसके बाद 50 ml पेंट में 25 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड, 50 ml पेंट के साथ 50 ग्राम, इस तरह से अलग अलग रेशियो में हमने किया, तो ये आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा ये लग रहा है उसमें थोड़ा कम। लेकिन इसमें ये फायदा है, एक बार अगर पेंट किए तो ये 24 घंटा के बाद भी हम देखें तो इसी तरह से था, लेकिन इसको जब 18 घंटा के बाद देखें तो ये बीच में आपको दिख रहा होगा ये कलर हट गया था। तो ये एक प्लस पॉइंट जो कि एट ए टाइम हमको देखने को मिला, हाँ सिंगल कोटिंग है, मतलब उसी टाइम में 2-3 बार जो चलाना था मोटर चलाना, तो ये तुरंत हम लोग को देखने को मिल गया। अगर इसको आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब इस पे हम रेनफॉल करवाएंगे या फिर टेम्परेचर वेरिएंस करवाएंगे, मान लीजिए रूम में देते हैं या फिर रूम के अंदर रहता है, तो वो हमको अभी टेस्टिंग करना है, अभी मेरा प्रोग्रेस में है ये प्रोजेक्ट। तो ये कुछ हमको रिजल्ट दिखाना था और ये जनरल कंडीशन इनर वाल में भी इफेक्ट होगा कि केवल आउटर वाल, आउटर वाल का अभी हम बेसिकली सोच रहे हैं क्योंकि आउटर वाल को ही वेडिंग इफेक्ट का मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो इसके अलावा मैंने एक और इसी के पैरेलली करना चाहा, जिसमें हम M20 ग्रेड जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भी करीब 50 ग्राम के अवॉर्ड में, मतलब कि सीमेंट को रिप्लेसमेंट में मैं सोच रहा हूँ, अगर रूम का टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है तो अगर हम क्या मोटार के साथ इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए एक मैंने ये सैंपल लिया जिसका अभी स्ट्रेंथ और चेक करना बाकी है, तो ये भी अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। So, these are the conclusion, मैंने देखा प्रीवियस स्लाइड पर तो एक्सपेरिमेंट तो कर रहे जी, एक हमारा जो सिंपल था वही ऊपर में देखो, इससे जो डिजायर कलर है कलर पे भी पड़ेगा थोड़ा बहुत कलर पे लग रहा है सर, तो उसको हम कलर का क्वांटिटी इंस्टॉल करेंगे पूरा भी हमारा काम, तो यहाँ ब्लू कलर हमको करना है, लेकिन टाइटेनियम लगाए तो व्हाइट इस पे चला आ, तो चूंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का नेचुरल कलर व्हाइट था तो वो थोड़ा इफेक्ट होगा, बट अगर कलर और डार्क हो तो वो कर सकते हैं। हालांकि देखिए इस चीज को कंपेयर किया, मतलब कि इतना लोग कर सकते हैं इस कलर से ना इस कलर से हम रखवा ले रूम अगर अच्छा लगे तो वहाँ ये कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हाँ सर उस पर हम अभी काम करेंगे, बट अगर सेफ्टी की बात करेंगे जो मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इतना एज ए रूम ऑनर इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अपने साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है रूम ऑनर वाल को, अगर प्रोटेक्ट वो करना चाह रहा है, लॉन्गेविटी बढ़ाना चाह रहा है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाह रहा है, तो इतना कॉम्प्रोमाइज वो कर सकता है, बट इस पर काम चल रही है। इसका रिजल्ट तो कैसे इसका जैसे टफनेस और कुछ जो हार्डनेस को चेक किया जाता है, तो एक अलग अलग ऊंचाई पर गिरा के देखा जाता है वो कितना टफ है, तो इसका हम लोग स्क्रैच करके एक पता चला है टेक्नोलॉजी है, तो स्क्रैच करके फिर जो स्टैंडर्ड डेटा है उससे मिलाएंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा उससे हम पता कर पाएंगे जो ये सच में कितना डिफेक्ट टिकेगा, तो वो भी अभी गोइंग है सर। मान लो कि ये तो बात तुरंत गाइड कर ठीक है, अब तुमने जैसे कि मतलब एसिडिक कंडीशन में दी है या कोई कंडीशन में दी है तो उसमें मान लो इफेक्ट होता है, उसको मेजर करने के लिए देखना पड़ेगा जैसे मान लो कि यस सर हो गया या वो सब का थोड़ा देखना पड़ेगा, तो यस यस ये सब पर काम करना पड़ेगा। हाँ सर ये तो टाइम डिपेंडेंट है, अभी बेसिकली हम स्टार्ट किए हैं तो टाइम डिपेंडेंट है, तो समय के साथ हम ये सारी जो हार्डनेस हम एग्जांपल दिए हार्डनेस का, बट इसमें स्क्रैच करके इसका टेस्टिंग होता है, इसको करेंगे तो पेंट का होगा या उस मटेरियल का होगा, सर पेंट का होगा, पेंट रहता है कि नहीं पेंट का के बाद एनालाइज होता है, मटेरियल का टेस्ट हो जाएगा, कलर का भी होगा, जो हार्डनेस तो बोल रहा है जैसे कोटिंग
कोटिंग के केस में ही होता है, कोटिंग का नहीं होगा, वो उस मैटेरियल का हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्रैच तो उसमें ना आएगा। स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पेंट्स, जब तक मटेरियल में स्क्रैच नहीं आएगा पेंट हटेगा कैसे तुम्हें बताओ, इसीलिए वो हार्डनेस मटेरियल का हो जाएगा। तुम लोग ठीक है, कल कोई ऐसा पैरामेट्रिक पैरामीटर ढूंढो, हम लोग तुझे ये नहीं बता सकते हम कि देखने से हमको अच्छा लगा, क्योंकि रिसर्च या कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना काम, यस सर। तो डॉक्यूमेंट में क्या शो करेगा, अगर हमको ऑब्जर्वेशन से ऐसा दिखाई नहीं कर सकते, वही होगा पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। यस सर, लिटरेचर देखने से, यस सर, ठीक है, ठीक है। सम रेफरेंसेस दैट आई यूज्ड इन माय पीपीटी प्रेजेंटेशन, ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन?